हाय एवरीवन, वेलकम टू मैड लैड। सो आज हम एक नई ट्रेनिंग करने वाले हैं और इस ट्रेनिंग में दो सेशंस होंगे और दो सेशंस होंगे। वन विल बी शेक हैंड और दूसरा सेशन होगा हमारा हाई फाइव का। तो इन दोनों सेशन में मेरा जो फोकस होगा वो टेक्निक के ऊपर फोकस होगा और किस टेक्निक क्या होनी चाहिए ताकि जो डॉग है और लेबराडोर पपी है वो इजीली इन दोनों टेक्निक्स को सीख सके। तो शुरू करते हैं दोनों सेशन। ल्यूक से हाय, नो ट्रीट। ल्यूक अपनी ट्रीट क्यों देख रहा है और उसको ट्रीट चाहिए। ट्रीट, हाय नहीं करनी। चलो ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेशन शेक हैंड का। तो शेक हैंड की टेक्निक ये है कि आपका जो डॉग है वो सबसे पहले सिट पोजीशन में होना चाहिए और सिट पोजीशन में आप उसको बिठाएं और अपनी ट्रीट हाथ में रखें। ट्रीट को हाथ में रखने के बाद आप ट्रीट को जो है इस पोजीशन में रखें ताकि आपका डॉग जो है वो क्रेव हो इसके लिए। तो आप खुद ही देख लीजिए, ल्यूक जो है बार बार अपना हाथ इधर लेकर आ रहा है क्योंकि उसको ट्रीट चाहिए और डॉग्स लव ट्रीट। तो शुरू करते हैं। गुड बॉय, गुड बॉय, यस गुड बॉय। तो आप लोगों ने ये भी देख लिया, ल्यूक ऑलरेडी सिट पोजीशन में बैठा हुआ है और मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसको सिट पोजीशन में बिठाने के लिए, जो कि मेरे लिए अच्छा है। इजी, वन मोर। रियली यू लाइक यू ट्रीट? Easy, good boy, good boy, good boy. We'll try again. Easy, good boy. तो आप लोगों ने देखा कि मैंने जब जब अपने हाथ को इस तरीके से रखा, ल्यूक ने बार बार जो है अटेम्प्ट किया और ट्रीट को लेने की कोशिश की और उसने अटेम्प्ट हाथ से किया और मैंने तब तक इसको ट्रीट नहीं दी जब तक ल्यूक जो है फोर्स नहीं कर रहा था कि उसको ट्रीट चाहिए विद हिज हैंड। तो अब मैं वर्ड का यूज़ कर सकता हूँ और वर्ड मैं या तो हेलो यूज़ कर सकता हूँ या फिर हाई यूज़ करूँगा। तो मेरे केस में मैं हाई यूज़ करूँगा ल्यूक के साथ और देखते हैं ल्यूक कितनी जल्दी इसको अडेप्ट करता है और कितनी जल्दी लर्न करता है। कम ऑन, ट्रीट, नो नहीं चाहिए। ल्यूक बार बार, ल्यूक का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रीट पर है। कम अप, ट्रीट चाहिए। गुड बॉय, हाय ल्यूक, गुड बॉय, हाय हाय ल्यूक, इजी, गुड बॉय, हाय ल्यूक, यस। और अब मैं ट्राई करूंगा बिना ट्रीट के साथ। ल्यूक हियर, गुड बॉय, हाय गुड बॉय, हियर, ल्यूक इजी, हाय ल्यूक, हाय हाय ल्यूक, हाय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। तो आप लोगों ने देखा ल्यूक को मैंने हाय बोला, इसने अटेम्प्ट किया, कोशिश कर रहा था, ये अटेम्प्ट कर रहा था और फिर इसने अपना हाथ ऊपर उठाया और मैंने हाय। तो आप इस चीज़ को जो है रिपीट करते रहें इस चीज़ को और इसको आदत लग जाएगी, ये अडेप्ट भी कर लेगा इजीली। ये देख, ल्यूक अपने आप ही हाय कर रहा है मुझको क्योंकि उसको ट्रीट चाहिए अब। ल्यूक ट्रीट चाहिए, ट्रीट चाहिए, अच्छा ट्रीट चाहिए, गुड बॉय, हियर। तो ये सेशन था शेक हैंड का और शेक हैंड के सेशन में मैंने बस अपना हाथ यूं रखा और ल्यूक ने जो है बहुत अटेम्प्ट किया उस ट्रीट को लेने के लिए और उसने अटेम्प्ट बार बार हाथ से किया और वो अभी भी कर रहा है। तो आई गेस आप लोग ये ट्राई करिए और होपफुली आपके डॉग के साथ भी ये वर्क करेगा। नहीं करे तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं किस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं और मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा।
नेक्स्ट टेक्निक, नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है वो है हाई फाइव की, और हाई फाइव शुरू करते हैं ल्यूक के साथ। शेक हैंड और हाई फाइव में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको जो ट्रीट है वो अपने हाथ में रखनी होगी और अपने हाथ को बंद रखना होगा ताकि वो फिर से अटेम्प्ट करे ट्रीट को लेने का। इजी ल्यूक, गुड बॉय, स्टे, यस गुड बॉय हियर। ल्यूक हाई फाइव ट्रेनिंग, आर यू रेडी? गुड बॉय, इजी, गुड बॉय, गुड बॉय। तो हाई फाइव की ट्रेनिंग में आप लोगों ने देखा, मैंने जो अपना हाथ है वो थोड़ा उसकी पोजीशन जो है शेक हैंड वाली पोजीशन से थोड़ी सी ऊपर रखी, और मैंने अपने हाथ को यूं रखा ताकि ल्यूक जो है वो अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर लेकर जाए और वो हाई फाइव वाली पोजीशन में उस चीज़ को करे। तो दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं ल्यूक करता है या नहीं। इजी स्टे, गुड बॉय, गुड बॉय ल्यूक, गुड बॉय। और एक चीज नहीं भूलनी, आप इस चीज जब भी आपका डॉग जो है कोई भी ट्रेनिंग अटेम्प्ट करे और उसकी तरफ एफर्ट करे तो आप उसको एक्नॉलेज करो और अप्रिशिएट करो विद गुड बॉय, और जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें। इस चीज से उनको फील होता है कि यस, जो मुझे बोला जा रहा है करने के लिए वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कम ऑन ल्यूक, हियर ल्यूक, नहीं ट्रेनिंग नहीं करनी अब। गुड बॉय, गुड बॉय, यस, वन मोर ल्यूक, हियर, गुड बॉय, यस गुड बॉय। तो मैं जब भी ल्यूक अटेम्प्ट करता है मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, यस। आप क्लिकर यूज कर सकते हो, यस यूज कर सकते हो, जो भी आपको सूट करे। तो मैंने दो तीन बार अटेम्प्ट किया ल्यूक के साथ और इसने अच्छे से कोशिश की, और अब मैं वर्ड का यूज करूंगा हाई फाइव, तो देखते हैं ल्यूक कितनी जल्दी अडाप्ट करते हैं उसको। ल्यूक गुड बॉय, इजी, यस हाई फाइव, गुड बॉय, हाई फाइव, गुड बॉय। यू वांट मोर ट्रीट? और ट्रीट चाहिए ल्यूक? चाहिए, कम ऑन, हियर 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 हियर। ल्यूक के साथ थोड़ा सा खेल रहा हूं मैं। हियर 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 हियर, गुड बॉय, हाई फाइव, गुड बॉय, हाई फाइव, कम ऑन, कम कम कम। और एक और चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं, अभी आप देख रहे हो ल्यूक जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, वो अपने दोनों पैरों पे नहीं बैठा हुआ, वो एक पर बैठा हुआ है, तो उसको कंफर्टेबल लग रहा है, वो ट्रेनिंग कर रहा है, तो इट्स ओके। और ल्यूक चला गया है, उसको ट्रेनिंग नहीं करनी। कम ऑन ल्यूक, हियर, गुड बॉय, कम ऑन, सिट, गुड बॉय, गुड बॉय, इजी, स्टे स्टे, यस हाई फाइव, गुड बॉय, गुड बॉय। ल्यूक ट्रीट के लिए जो है थोड़ा सा बैड है। जब भी वो इधर उधर चला जाता है तो मैं उसको ट्रीट से बुला लेता हूँ। इजी, तो मैं पोजीशन की बात कर रहा था, अब देखेंगे आप लोग तो ल्यूक बेटर पोजीशन में है, तो इस पोजीशन में कोशिश करिए अपने डॉग को लाने के लिए, ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कर पाते हैं। इजी 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 इजी, गुड बॉय, गुड बॉय। अब मैंने तीन चार बार जो है अटेम्प्ट किया है, अब मैं कोशिश करूंगा वर्ड यूज करने की और ल्यूक को जो है ट्रीट बाद में देंगे। ल्यूक इजी, हाई फाइव, हाई फाइव, गुड बॉय, गुड बॉय। तो आप लोगों ने देखा ल्यूक ने थोड़ा सा जो है कोशिश करने की कोशिश की यहाँ पर, और वो थोड़ा सा अपना हाथ ऊपर लेके आया, पूरा नहीं ला पाया, बट मैं इसको डेली ये चीज ट्राई कराऊंगा तो वो बेटर हो जाएगी। गुड बॉय, गुड बॉय ल्यूक, कम ऑन, वन मोर टाइम, अप, इजी इजी, हाई फाइव, हाई फाइव,
ल्यूक हाई फाइव, हाई फाइव, गुड बॉय। तो आप लोगों ने देखा इसकी जो एंगल था हाथ का वो थोड़ा सा बेटर हुआ, थोड़ा सा ऊपर लेके गया। और डेली अगर मैं इसके साथ प्रैक्टिस करूंगा तो ये और बेटर हो जाएगा। इजी ल्यूक, सिट डाउन, गुड बॉय, यस गुड बॉय, गुड बॉय। तो आप लोग भी ये ट्रेनिंग प्रैक्टिस करो और दोनों ट्राई कराओ, शेक हैंड और हाई फाइव। और दोनों जैसे मैंने ट्राई किया, आप हाथ जो है वो बंद होना चाहिए और जो है शेक हैंड के लिए इधर और हाई फाइव के लिए इधर। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या इस चीज़ के बारे में और डिटेल चाहिए हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड विल बी बैक विद मोर सेशंस। और ल्यूक थोड़ा सा आलसी हुआ है आज क्योंकि अभी खेल के आया है और थका हुआ है और अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।